ये तो एक दफ़ा फिर असली पिशावरी सूप पे। अच्छा, कराची में सर्द हवाएं चलने लगी है तो हमने कहा चलो फिर आके ना ये ट्राई करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इनका सूप आप देख ले ज़रा, इनका रश देख ले। किसी को भी ना इस सर्दी का मज़ा दुबाला करना हो तो यहाँ ये सूप पिशावरी सूप पीने आ जाए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें इनका रश, ये लोग बैठे हुए, ये देखें। और बाहर गाड़ियों में ना, ये देखें गाड़ियों में भी लोग बैठ कर ना यही सूप पी रहे हैं। सर जी, नाम क्या है आपका जी? नाम क्या है? खावर नाम है। अच्छा खावर भाई, आप लाइन में खड़े हो तो मतलब इसकी वजह क्या है? मेरी कसूरी ऐसा है। अच्छा, तो 20-25 साल से कसूरी। अच्छा, तो मतलब इतना मज़ेदार है कि मतलब ये लाइन में आप खड़े हो? सर आपको अंदाजा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, तो रिकमेंड करते हो आप? बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। चलो ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? काशान। काशान, अच्छा काशान भाई, आप गाड़ी में बैठ के माशाल्लाह ये सूप पी रहे हो, मतलब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हम काफ़ी सालों से पी रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब जायका ऐसा है? जायका। अच्छा, तो आप कितने अरसे से आ रहे हो यहाँ पे? तकरीबन 10-12 साल से होगा। अच्छा, 10-12 साल से। रिकमेंड कर सकते हैं आप? चलो ठीक है, मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा उसामा भाई, ये दीवानगी मुझे लग रही है ये सूप, ये देखें ज़रा इतना रश, ये वजह क्या हो सकती है? जी जी, असल में यहाँ की खासियत ये है कि ये कराची का जो है ना काफ़ी डिफरेंट सूप है। जी बिल्कुल, ऐसा सूप यहाँ पर असल में मिलता नहीं है, टेस्ट यहाँ का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मतलब आपको पसंद है? जी जी बिल्कुल। तो आप कितने अरसे से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर हम पिछले साल से। अच्छा, तो बाहर गाड़ियों में लोग बैठे हुए, ये इतना लाइनें लगी हुई है। जी जी, तो इसका जायका कुछ ऐसा है या नहीं कि मतलब सर्दी है तो बंदे आ जाते लोग? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ का जो जायका है ना। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी जगहों से। अच्छा अच्छा जी जी, तो रिकमेंडेड है? जी जी बिल्कुल, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा हाईली, थैंक यू, मेहरबानी। चला Thank you.
ये ऑर्डर कहाँ जा रहे हैं? गाड़ियों में जा रहे हैं। अच्छा, गाड़ियों में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा, तो मतलब इससे पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन लोग बड़े इशरा कर रहे थे कि दोबारा इनकी वीडियो आ जाए। तो आप ये तो बता दें, सीक्रेट बता दें कि ये दीवानगी क्यों है, इतनी दीवानगी क्यों हो रही है, इसमें आप क्या डालते, क्या हो? सब कुछ नहीं है कि हम अपनी तरफ से अभी आपको बोलें कि हम अपने मिसाले बनाते हैं और ये इसमें नॉर्मल मिसाले होते हैं। अच्छा, नॉर्मल मिसाले होते हैं, बस ये इसका एक टेस्ट है। अच्छा, एक टेस्ट, वो टेस्ट अपनी जगह पे, प्लस ये कि जुकाम और ये सीने में बलगम वगैरह जो हो जाते हैं उसके लिए ये बहुत मुफीद है। यहाँ मरीजों के लिए जाता है, हॉस्पिटलों में जाता है मरीजों के लिए, डॉक्टर बोलते हैं कि जाओ वहाँ से यखनी ला के। चिकन होती है, मुर्गी होती है और ये मुर्गी की यखनी होती है, कोई इसमें इतना खास नहीं है क्या बोलेंगे हम वहाँ से इसके लिए मिसाले मंगवाते हैं, ये वो है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मिसाले होते हैं जो बावर्ची जो आम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये पूरे कराची में ये यखनी मतलब मिलती है, लेकिन यहाँ पे जितना रश है ना, मैं नहीं समझता कि और हो। देखिए, हर यखनी वाले के, हर सूप वाले का अपना अपना टेस्ट होता है। अच्छा, हमारा अपना टेस्ट है, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है, हर बंदा अपने हिसाब से। हम लोगों को पसंद है यहाँ का टेस्ट, आते हैं पीते हैं। अच्छा, तो ये पकाई का आप कितना टाइम देते हो? सर ये तकरीबन इसको लग जाते हैं 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, मुकम्मल तैयार होने में। अच्छा, तकरीबन 7 से 8 घंटे। अच्छा, तो ये जायके का मतलब वजह यही है? ऐसी बात है, ये मैंने आपको बोला ना कि हर बंदे का अपना अपना जायका होता है। जी जी बिल्कुल, इस तरह हर बंदे का अपना अपना जायका है, हमारी अपनी यखनी का अपना जायका है। अच्छा, हर बंदे का अपना जायका, हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है। जी जी, तो ये क्या हिसाब है कप? ये फी कप हम देते हैं 40 रुपये का। जी जी, खाली यखनी का जो कप होता है वो 40 रुपये का है, बाकी देसी अंडा होता है वो 60 रुपये का है, इसमें चिकन होती है, सीने की बोटियाँ होती हैं वो 60 रुपये का है, रान बनाया हुआ होता है 40 रुपये के हिसाब से, वो 40 रुपये का रान देते हैं, उसको 40 रुपये के हिसाब से बनाया हुआ होता है। जी जी, यानी कि हम पूरी रान उसमें देते हैं, इस तरह हर चीज़ के। और प्लस हमने ये रेट बहुत कम ताकि वो हर किसी को देखो कितनी महंगाई हो गई है, हम लोगों ने रेट नहीं बढ़ाए। देसी अंडे पे रेट बढ़े उसके हमने बढ़ा दिए 10 रुपये, बाकी यखनी हमारी अपनी थी उस पर रेट नहीं बढ़ा, उसको वही 40 रुपये रखा। जी जी। अच्छा, तो फिर हमने टाइमिंग बता दें आप अपनी। हमारी टाइमिंग है, हम शाम को 4 बजे खुलते हैं और रात को 3 बजे बंद कर देते हैं। हफ्ता जुम्मे और हफ्ते को थोड़ा लेट कर देते हैं क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है, लोग बहुत दूर से आते हैं, तो 3:30-4 बजे तक जुम्मा और हफ्ता, और आम दिनों में 3 बजे बंद कर देते हैं। ठीक ठीक, तो लोकेशन समझा दें। लोकेशन ये नाजमाबाद पापोश नगर मेन खिलाफत चौक। अच्छा, ये खिलाफत चौक खिलाते हैं, चांदनी चौक खिलाते हैं? खिलाफत चौक खिलाते हैं। अच्छा, चांदनी चौक हमसे आगे वाला रोड है उसको चांदनी। अच्छा जी जी, चलो ठीक है, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
कैसा जायका कैसा है? आप पहली दफा पी रहे हो, अच्छा लगा? चलो तो हम भी टेस्ट करके बताएंगे ज़रा। जी तो हमने यखनी पी ली, माशाल्लाह से बड़ा रिच टेस्ट था इनका, बड़ा बेहतरीन। तो चलो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।